नमस्कार दोस्तों, बारबाडोस से आप सभी का स्वागत करता हूं, जहां पर टीम इंडिया जो है 22 साल बाद मैच खेलने जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय मैच। आपको बताया था इस मैदान पर मौजूदा टीम का कोई खिलाड़ी एक भी मैच नहीं खेला, ना टेस्ट ना वनडे, कुछ भी नहीं। और जब रोहित शर्मा बातचीत करने के लिए आए प्रेस से सीरीज़ से पहले, मैं तो चाह रहा था रोहित उस दिन आते टेस्ट सीरीज़ के बाद, तो उस दिन उन्होंने बात नहीं की थी, ईशान आया था। लेकिन मैं आप लोगों के कमेंट देख रहा था, आप में से बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई विराट कोहली पे सवाल पूछिए, विराट कोहली पे सवाल पूछिए, रोहित क्या सोचते हैं, रोहित क्या सोचते हैं। कई लोगों ने कमेंट किया, अरे ये तो सिर्फ हल्के क्वेश्चन पूछते हैं, इनकी हिम्मत नहीं है रोहित से पूछने की विराट के बारे में। हाँ भाइयों, मेरे को मैंने पहले ही बताया हुआ है कि मेरे को हिम्मत और ये सब कोई मेरे को नहीं है। जो आप लोगों का इंटरेस्ट और मुझे लगता है कि अगर वो क्वेश्चन रेलेवेंट है तो मैं ज़रूर पूछता हूँ, भले किसी को अच्छा लगे बुरा लगे। तो रोहित शर्मा जब आए तो सबसे पहला सवाल मैंने उनसे यही किया कि टेस्ट क्रिकेट में, टेस्ट सीरीज़ में 2-0 नहीं हो पाई, लेकिन जो गेन रही, विराट कोहली का फॉर्म एक बड़े खिलाड़ी हैं, ये बात कितना बॉदर कर रही थी। मुझे लगा कि रोहित थोड़ा सा नाराज़ होंगे, क्योंकि मैं रोहित को विराट के क्वेश्चन पे, मैं इंग्लैंड में पिछले साल इंग्लैंड में भी मैंने उनको पूछा था, उसके बाद भी वर्ल्ड कप में भी पूछा था, तो विराट को लेकर बहुत चर्चा होती है और कई बार लोगों को लगता है कि आप मतलब क्यों पीछे पड़ गए। लेकिन मेरे को तो कोई ये था आप लोग के बिहाफ पे पूछा, और कितनी खूबसूरती से उन्होंने जवाब दिया, किस ग्रेस से जवाब दिया। हैट्स ऑफ टू इंडियन कैप्टन की जिस मैच्योरिटी से इवन, और ये सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि भाई जब आपको लगता नहीं है कि भाई आप हेडलाइन ढूंढने के लिए, कॉन्ट्रोवर्सी ढूंढने के लिए सवाल करते हैं, तो आपको जवाब भी ऐसे मिलते हैं। आप डिसाइड कीजिए कि रोहित का जवाब सही है या गलत। रोहित, टेस्ट सीरीज जिस तरह से रही, आप मतलब 2-0 होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, आपने बात की उसके बारे में, लेकिन टेस्ट सीरीज की गेन को, मतलब वनडे सीरीज स्टार्ट हो रही है, इन टर्म्स ऑफ स्पेशली लोग जिस तरह से विराट के बारे में बात कर रहे थे, ओवरसीज 100 नहीं था 5 साल से, क्या ये बात आपको कभी बॉदर कर रही थी कि भाई टीम का इतना सीनियर बैट्समैन है और रन नहीं, और वो कितना मायने रखता लीडिंग अप टू दिस ओडीआई सीरीज? यार ये सवाल का जवाब है ना, मैं काफ़ी बार दे चुका हूँ। बाहर से जो बातें होती है, किसने कितना बनाया, किसने कितना विकेट लिया है, नहीं लिया है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आई डोंट थिंक पीपल व्हेन सिटिंग आउटसाइड व्हेन दे टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स दे डोंट नो व्हाट हैपेंस इनसाइड। ठीक है, तो अंदर की बातें अंदर रहती है और हम चाहते हैं वो अंदर ही रहे, बट वी डोंट लुक इनटू ऑल दिस थिंग्स। हमारे लिए ज़रूरी क्या है, हम किस तरीके से सारे प्लेयर्स का बेस्ट निकाल सके, कैसे मैच जीता जाए, कैसे सीरीज जीता जाए, हमारा फोकस उस चीज़ पे होता है, ये नहीं कि कौन किस तरीके से क्या बात कर रहा है और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमारे लिए वो बिल्कुल मायने नहीं रखता है। और ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ और आगे भी यही बोलता रहूँगा। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि अभी हमारे लिए ये 3 वनडे मैच आ रहे हैं सामने, तो हम इसे कैसे जीत, हम इसमें कैसे अच्छा करेंगे, कैसे जीतेंगे, कौन कौन से प्लेयर को हमें मौका देना है, और ये सब चीज़ पे हमारा फोकस है, क्योंकि इसमें ये सब डिसाइड करने में और ये सब सोचने में काफ़ी वक्त लगता है। तो हम चाहेंगे कि, मैं चाहूँगा कि मेरा पूरा ध्यान इस चीज़ पर रहे। चलिए, लेकिन अब रोहित ने तो बहुत संभाला अपने आप को, जवाब उन्होंने लंबा दिया, लेकिन रिपोर्टर तो हम रिपोर्टर हैं, मन नहीं भरा, लगा कि भाई एक और सवाल, चूँकि जब वो जवाब दे रहे तो दिमाग में आया कि जगह भाई एक और सवाल पूछा जाए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं और मैं भी सोचता हूँ, मैं ईमानदारी से मैं अपने बारे में बताऊँ कि मैं भी सोचता हूँ कि यार अगर इतना बड़ा बैट्समैन है, या पहले भी देखा हो तो इतने बड़ा बैट्समैन आपकी टीम में हो, ड्रेसिंग रूम में हो, और अगर उसका नॉट सो ग्रेट, मतलब विराट जिस तरह के डोमिनेंट प्लेयर रहे हैं, अपना उन्होंने स्टैंडर्ड जो हाई किया उससे थोड़ा सा भी वो शायद वो हैं, उनके बारे में लोग बात कर रहे हैं, मीडिया बात कर रही है, और वहाँ पर अगर कप्तान से पूछो कि वो कैसे डील करते हैं, तो ये सचमुच पूछो तो ये, मतलब पहले क्वेश्चन के बजाय ये क्वेश्चन मुझे बहुत दिल से बेहद करीब है, क्योंकि मैं जानना चाहता था कप्तान का माइंडसेट क्या है, कप्तान ऐसी चीज़ों पर क्या सोचता है। एक बार फिर से रोह ने हिट जवाब दिया, जिस तरह से पुल करते हैं ना उस तरह से, सुनिए। रोहित, इसी से जुड़ा सवाल है, जैसे मैंने देखा इस दौरे पे और पहले भी देखा, यंगस्टर को जिस तरह से आप गाइड कर रहे हो, जिस तरह से मेंटरिंग कर रहे हैं, सारे लोग, आप हो, राहुल हो, सारे लोगों को, लेकिन जब समवन लाइक विराट, आप उनके दोस्त हो, कलीग रहे हो, इतने दिन लंबी क्रिकेट खेली है, ऐसे टाइम में कभी लगता है कि आपको एज ए कैप्टन कुछ कहने की ज़रूरत है, या यू जस्ट लीव इट कि भाई, जैसे आपने पहले भी इंग्लैंड में भी कहा था कि यू डोंट, मतलब
क्या आपको कभी लगा कि बात करने की जरूरत है या बात होती भी है इस मुद्दे पे? हाउ डू यू डील, मतलब एवरीवन इज क्यूरियस व्हेन सम चीज के बारे में कि मतलब अगर बैटिंग की चीज है तो आप लोग बात करते हो कि नहीं अच्छा कर रहे हो, जैसे कोच बात करते हैं, तो एज ए कैप्टन भी आप बात करते हो कि नहीं कोई परेशानी नहीं है अगर 100 नहीं भी? देखिए कुछ प्लेयर टीम में ऐसे हैं जिनको जिनसे ज्यादा बात करने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि इतना लंबा समय क्रिकेट के ग्राउंड पे बिताया है, इतने सारे मैचेस खेले, इतने सारे रन्स बनाए, इतने सारे विकेट्स लिए, तो कुछ लड़कों को ये सब चीज़ की ज़रूरत पड़ती नहीं है। हमारा फोकस, जैसे मैंने बताया कि काफ़ी नए लड़के लोग आए, हम फोकस करते हैं कि उन नए लड़कों को कैसे अपॉर्चुनिटी दिया जाए, कैसे उनको फ्रीडम दिया जाए, कैसे उनको यहाँ पे यहाँ की फीलिंग महसूस कराया जाए, ठीक है? तो हमारा फोकस इस चीज़ पे ज़्यादा रहता है। जैसे मैंने बोला कि कुछ प्लेयर्स हैं, काफ़ी प्लेयर्स हैं एक्चुअली टीम में, जिनको आप नहीं सिखा सकते हो कि बैट ऐसे पकड़ा जाता है, रन ऐसे बनाया जाता है, या इस तरीके से आप इनिंग्स बिल्ड करो, नहीं, इतना लंबा टाइम स्पेंड करने के बाद उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती नहीं है। सिर्फ टीम का माहौल अच्छा रखना चाहिए, प्लेयर्स को कम्फर्ट देना चाहिए, और इस चीज़ पर हमारा थोड़ा फोकस ज़्यादा रहता है। तो हम आगे भी कोशिश यही करेंगे कि हमारा फोकस उस चीज़ पे ज़्यादा रहे जिस चीज़ से टीम को ज़्यादा फ़ायदा हो, तो जिस चीज़ से टीम को फ़ायदा नहीं है उस चीज़ पे हम फोकस नहीं करते। अच्छा, रोहित से जब सवाल चल रहे थे, आपको तो पता है यहाँ पर तो कोई है नहीं ज़्यादा लोग, कुछ गिनती के लोग ही हैं, तो भी क्वेश्चन बढ़ रहे थे, तो एक बार मुझे कहा भी गया कि भाई अब उनको बैटिंग करनी थी, तो फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं तसल्ली से अगर आप हैं यहाँ पर पूछ लीजिए, मन भर लीजिए, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, सवाल के जरिए सब लोग आप लोग सुन रहे हैं, हर कोई, तो वो बेसिकली मीडिया का रिप्रेजेंटेटिव मानते, भले खेला हूँ लेकिन उनको लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन है। तो फिर मैंने उनसे ये पूछा, मेरे जहन में एक सवाल था, भाई वर्ल्ड कप को लेकर, ठीक है ना, वर्ल्ड कप को लेकर एक से एक स्पॉट हैं, इतने ज़्यादा चीज़ें हैं, तो वो कैसे मैनेज करते हैं? मतलब अगर उसमें संजू सैमसन भी है, सूर्या भी हैं, ये भी हैं, वो भी हैं, किसको खिलाना है, कैसे नहीं खिलाना है, उस सवाल का भी रोहित ने बहुत खूबसूरती से जवाब दिया, सुनिए। आखिरी सवाल, एमएस धोनी इंडिया के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन, उनकी एक थ्योरी रहती थी कि भाई आप जब बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं वर्ल्ड कप में, दैट गाय शुड हैव एटलीस्ट 50 प्लस गेम्स, 1.5-2 साल से खेल रहा हो। आपके साथ ये प्रॉब्लम है, चाहे आप T20 में गए थे या इस वर्ल्ड कप में, इंजरी क्रिटिकल प्लेयर, वेदर इट्स श्रेयस अय्यर जो आपका मिडल ऑर्डर में थे, बुमराह की, वी डोंट नो अबाउट दैट, सो हाउ वुड यू डील विद दैट, बिकॉज नोबडी नोस। ऐसे में कैप्टन के लिए वो जो थ्योरी कि भाई ऑब्वियसली इन एन आइडियल वर्ल्ड की आप जाना चाहोगे एक्सपीरियंस के साथ, इसको कैसे डील करोगे? नहीं देखिए, एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी होता है, जब भी कोई भी टूर्नामेंट, बड़े टूर्नामेंट आप खेलते हो, एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है। बट अगर अभी इंजरीज होती है तो उसमें आप आई डोंट नो व्हाट यू कैन डू अबाउट इट, इट इज़ नॉट अ, आपको पता नहीं चलता है कि ये लड़के को इंजरी होने वाली है, इसको बाहर करो और दूसरे को लाओ, इंजरी हो जाती है ऐसे, जिस तरीके से हमने देखा काफ़ी लड़के इंजर्ड है अभी हमारे टीम के, उनको इंजरी हो गई, अभी कैसे हुई क्या हुई, अभी वी गॉट द फैसिलिटी इन प्लेस टू लुक आफ्टर ऑल ऑफ दैट, बट हाँ, जहाँ तक आपका सवाल है, आई थिंक एक्सपीरियंस काफ़ी ज़रूरी है, तो हमारी कोशिश एक्चुअली यही रहेगी कि आइडेंटिफाई करके देखना कि अगर ये लड़का वर्ल्ड कप खेलने वाला है तो इसको कम ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस दिया जाए ताकि वो उसको एक्सपीरियंस मिले, और जहाँ तक यहाँ पे जितने लड़के हैं जो वनडे टीम का हिस्सा रह चुके हैं, सारे लोग ने वनडे क्रिकेट पहले खेला हुआ है, आई डोंट थिंक देर इज़ एनी वन न्यू एक्सेप्ट आई थिंक मुकेश कुमार, बट मुकेश कुमार काफ़ी एक्साइटिंग प्रॉस्पेक्ट लग रहे हैं, बट जहाँ तक बैट्समैन का सवाल है, आई थिंक सारे लोग वनडे क्रिकेट खेल चुके हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि यार इस सीरीज़ में अगर अगर हमें लग रहा है कि ये वर्ल्ड कप का पार्ट हो सकेंगे तो इनको मौका दिया जाए, ऐसे करके हम देखना पसंद करेंगे, क्योंकि ऑल्सो वी नीड टू कीप इन माइंड वन थिंग इज़ दैट कि जो खेल रहे लड़के रेगुलरली उनको भी इंजरीज हो सकती है, मैच में कभी भी इंजरीज हो सकती है, तो वी नीड टू गेट द अदर गाइज ऑल्सो रेडी, तो हम 11 पे फोकस करने के साथ साथ हमें जो बाकी 11 या 15 या 20 प्लेयर है उन पे भी उतना ही फोकस करना पड़ता है, क्योंकि इंजरीज कभी भी किसी को भी हो सकता है, वर्ल्ड कप में हो सकता है, वर्ल्ड कप के पहले हो सकता है, आई होप टच वुड कि
कि इंजरी किसी को ना हो, आई होप, और जो भी हम स्क्वाड से उतरे वही स्क्वाड खेले, होपफुली ऐसा ही रहे तो अच्छा रहेगा, बट हमें आगे का भी सोचना पड़ता है, तो हम जो आगे के प्लेयर्स है उनके ऊपर भी उतना ही फोकस करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस दिया देने की कोशिश करते हैं। थैंक्स कैप्टन फॉर बीइंग सो फॉरथराइट। थैंक्स, थैंक यू। तो ये सारे तमाम सवाल जवाब, कुछ और सवाल थे जो आपने सुना, जो मैंने उनसे पूछे गए, जवाब उन्होंने दिए। रोहित, ये आपने बात की इनकी, वर्ल्ड कप में खेलना, वनडे वर्ल्ड कप में खेलना हर खिलाड़ी का ड्रीम होता है। अब यहाँ पर कुछ खिलाड़ी आए हैं, एवरीवन इज़ फाइटिंग फॉर ए प्लेस, लाइक सूर्या हो गए, अपना बाकी और खिलाड़ी संजू सैमसन हो गए, विकेट कीपिंग पोजिशन को लेकर, मिडल ऑर्डर बैट को लेकर उमरान मलिक हैं, तो ये उससे पहले जो सीरीज़ है, चाहे एशिया कप चाहे वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ में, कप्तान के तौर पे आप कैसे इनको, मतलब उनका आपको बेस्ट भी लेना है, इनको भी है कि वो वर्ल्ड कप में खेलना, हाउ चैलेंजिंग इट इज़, मतलब कि भाई आप वो बैलेंस, जो बैलेंस है वो कैसे आप अचीव करोगे? देखिए, काफ़ी चैलेंजिंग होता है क्योंकि काफ़ी सारे लड़के हैं वो उस जगह के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, और इतना आसान नहीं होता है कैप्टन कोच के लिए, क्योंकि खेलने तो वाले 11 ही लोग हैं और उसमें 11 में भी 6 या 7 बैट्समैन खेलते हैं और हमारे पास 15-20 बैट्समैन जो है, और ये सेम होता है बॉलर के लिए भी, बॉलिंग के लिए भी हमारे पास ऑप्शंस है, बट खिला सकते हो आप 3 या 4 फास्ट बॉलर, 2 स्पिनर 3 स्पिनर, कितने सारे स्पिनर्स हैं, कितने सारे फास्ट बॉलर्स हैं, तो ये एक चैलेंज ऑब्वियसली मुझे नहीं, हर टीम को इस चीज़ से गुजरना पड़ता है, तो हम कोशिश यही करते हैं कि हमको क्या रोल चाहिए, सारे एक एक प्लेयर जो है, जैसे बुमराह, प्रसिद्ध, जयदेव उनटकट, शार्दुल ठाकुर, और भी नाम है, सिराज, शमी, मुकेश, हार्दिक, ये इतने सारे सीमर है, उमरान मलिक, तो इन सीमर को, ये सारे सीमर्स का क्या रोल होगा, किस तरीके से ये हमारा रोल फिट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास टैलेंट है, बॉलिंग है, स्विंग है, सब कुछ है, लेकिन क्या हमारे, हम जो प्लान कर रहे हैं उस प्लान में वो चीज़ बैठ सकती है या नहीं, हमें वो देखना पड़ता है, तो उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं ये सब एनालाइज करने के बाद, क्योंकि ऑप्शंस काफ़ी सारे होते हैं बैटिंग में भी, ऑप्शंस काफ़ी सारे होते हैं, कोई मिडिल ऑर्डर है, कोई ओपनर है, कोई लेफ्ट हैंडर है, कोई राइट हैंडर है, कोई डेथ में अच्छा बैटिंग करता है, कोई नए बॉल से अच्छा खेलता है, तो टीम के लिए क्या ज़रूरत है, टीम की होल्स कहाँ कहाँ है, हमें वो होल्स फिल करने होते हैं, और वो होल को फिल करने के लिए हम लड़कों को वो रोल दिया जाता है, और वो रोल हम फिर देखते हैं कि अगर वो कर पाते हैं या नहीं कर सकते, और उसके बाद क्या ऑप्शंस है हमारे पास, तो ऐसे एनालाइज किया जाता है। आखिरी सवाल रोहित ये पूछना चाह रहे थे कि कैप्टन करने दो, पूछने दो यार, इसके बाद पूछ लेंगे, ओके मामा, सॉरी। लेकिन इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं याद रखूंगा, जो उन्होंने जिस ईमानदारी, जिस ऑनेस्टी से उन्होंने बात किया, बिग क्वेश्चंस को उन्होंने हैंडल किया, और उम्मीद करता हूं कि इंडियन टीम जो है एक अच्छी सीरीज जीत के साथ शुरुआत करेगी। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आज जो है ना, मैंने बहुत कम काम किया, बहुत सारे शॉट्स मैंने नहीं लिए क्योंकि मैं मूड देख रहा था, और मूड में मेरे को बहुत झलकियाँ मिली, बहुत चीज़ें, बस किससे कहानियाँ, वो सब मैं बताऊँगा बाद में, लेकिन कई कहानियाँ हैं, छोटी छोटी कहानियाँ मिलेंगी, सब पे नज़र रखना, बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि पूरे दौरे पर इससे बढ़िया दिन मेरा नहीं रहा, पूरे दौरे पर, और मेरे पास इतने किस्से कहानियाँ, आने वाले सारे वीडियोस आपको देखने हैं, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, थैंक यू सो मच। तीन मैचेस के बाद आयरलैंड वाला दौरा होगा, आयरलैंड में T20 खेल रहे हैं, तो वनडे सीरीज को आप कैसे देख रहे हो बिफोर द एशिया कप? नहीं, देखिए हमारे पास अभी ये यहाँ पे 3 वनडे है, एशिया कप में कुछ 5-6 वनडे मिलेंगे, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 है, तो कुल मिला के आई थिंक 10 से 12 वनडे हम खेलने वाले, तो 10-12 वनडे एक्चुअली इज़ अ डिसेंट टाइम फॉर अस टू नो कि हमें किस तरीके से और किस किन लड़कों को खिलाना है और कैसे खेलना है। हमारे लिए ये सीरीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लड़के यहाँ पर नए हैं, इन्होंने ज़्यादा मैचेस खेला नहीं है, तो उनको एक्सपोजर दिया जाए, उनको खिलाया जाए, उनको रोल दिया जाए कि इस रोल पे आप बैटिंग करो, और हमें भी एक मौका मिलेगा देखने का कि अगर उनको रोल दिया गया है
तो उस रोल को लड़के किस तरीके से निभा रहे हैं, किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। हम T20 वर्ल्ड कप के पहले लास्ट ईयर भी हमने ये सब चीज़ के बारे में फोकस किया था कि नए लड़के जो टीम में आए हैं उनको रोल दिया जाए और वो देखा जाए कि वो रोल किस तरीके से निभाते हैं। तो यहाँ पर भी 3 मैच है, हम देखेंगे कि किन किन लड़कों को हम मौका दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, और उसके बाद देखेंगे डिसीजन जो भी लेना है ये 10-12 वनडे के बाद हम लेंगे। अभी जी कैप्टन, ऑब्वियसली मेरा अगला सवाल जो रहा है, शायद जसप्रीत बुमराह आयरलैंड दौरे में अगर उसको मौका मिला, ऑब्वियसली हैज़ बीन बहुत अरसे के बाद ही विल मेक अ रिटर्न आफ्टर इंजरी, तो इट्स अ गुड साइन फॉर टीम इंडिया बिफोर द ऑल इम्पोर्टेंट एशिया कप एंड वर्ल्ड कप। बुमराह का आने से क्या कितना कॉन्फिडेंस मिलेगा एज अ कैप्टन? नहीं देखिए, उनकी जो एक्सपीरियंस रही है टीम के साथ और जिस तरीके का उनको अनुभव है, वो जो टीम के लिए लेके आते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी काफ़ी बड़े इंजरी से आए हैं। अभी आयरलैंड, अभी मुझे पता नहीं है कि वो आयरलैंड जाएंगे या नहीं, अभी चयन हुआ नहीं है उस चीज़ का। अगर उनको मैचेस खेलने मिले तो अच्छी बात होगी। हम कोशिश करेंगे कि उनको जितने ज़्यादा मैचेस खेलने मिले वर्ल्ड कप के पहले, वो हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि इतने बड़े इंजरी से जब आते तो आपको एक आप ये जो मैच फिटनेस और मैच फीलिंग होता है वो मिस होता है। तो मेरे हिसाब से अगर वो मैचेस खेलेंगे तो उनके लिए भी अच्छा होगा, टीम के लिए भी अच्छा होगा। तो अभी जब देखेंगे 1 महीने में अभी कितने मैचेस वो खेलते हैं, क्या क्या प्लान किया हुआ है उनके लिए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच रिकवरी हैज़ हैपेंड टू हिम, कितने रिकवर्ड हुए और क्या स्टेटस है। NCA के साथ कॉन्स्टेंट टच में है, लुक्स क्वाइट पॉजिटिव एट द मोमेंट, सो वो अच्छी बात है।